वरमत लाही वबरकू प्यारे दोस्तों एक उस्ताद ने अपने शागिदों से पूछा कि मुझे बताओ कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते एक बच्चा उठा उसने कहा कि जो लोग मर चुके हैं वो नमाज अदा नहीं करते और दूसरा उठा उसने कहा जो लोग काफिर हैं वो नमाज अदा नहीं करते और तीसरा उठा उसने कहा कि जो लोग नमाज नहीं जानते वो लोग नमाज नहीं पढ़ते बच्चे तो अपनी मासूमियत भरे जवाब देकर खामोश हो गए उस्ताद को सोच में डाल दिया मेरा शुमार किन लोगों में है क्या मैं मर चुका हूँ जो मैं नमाज अदा नहीं करता क्या मैं काफिर हूँ जो नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाता या मुझे नमाज नहीं आती जो मैं नमाज अदा नहीं करता लेकिन ये सोच भी उसी के अंदर आएगी जिसे अल्लाह पाक तोफीक देगा आज लोग मजलिस में बैठे होते हैं इधर से मोजिन की आवाज़ बुलंद होती है हयाल अलफलाह फलाह की तरफ़ आओ हया नमाज़ की तरफ़ आओ वो दिन में पाँच पाँच दफ़ा सदा बुलंद करता है कि चले आओ कामयाबी की तरफ लोग कामयाबी का निशान पाने के लिए सरगर्दा रहे जमाने भर की ठोकरें खाते रहे और जो अल्लाह मुसलसल पैगाम भिजवाता रहा कि ये कामयाबी है इसकी तरफ आओ और जब इस गफलत का इस बेदोजही का गिला करो तो आज का नौजवान कहता है कि आज के मॉडर्न दौर में दीन पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है आज मुश्किल हो गया है तस्वुर करो उन लोगों का जिनकी खाले जिंदा खींच दी गयी जिन्हें जलते कोले पर लिटाया गया जिनके माँ बाप ने उन्हें घरों से निकाल दिया लेकिन फिर भी उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही कलमा रहा फिर भी वो नमाज अदा करने से नहीं चुके और पहाड़ बयाबानों रेगिस्तानों तपती हुई रेतों के ऊपर सजदे करते रहे आज के नौजवान को इस सूरत में भी सजदा करना मुश्किल है कि जब मस्जिदें सख्त कंडीशन से मुजैर हैं, सख्त गर्मी में वो मस्जिद का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो तो ठंडी हवा उसका इस्तकबाल करती है पीने के लिए ठंडा पानी मौजूद होता है मखमली कालीन उसके नीचे बिछे हैं फिर भी कोई सजदा करने वहाँ पर नहीं जाता और जिन्हें अल्लाह करीम तोफ़ी देता है जिन्हें अल्लाह पाक अपने पास बुलाता अपनी बारगाह में खड़ा होने का शर्फ बखशना चाहता है वो हर मकाम हर जगह में चलती धूप में बरसती बारिश में सेहराओं में गलियों में बाजारों में और समंदरों में अल्लाह के हजूर सर सुजूद रहते हैं अल्लाह पाक के नजदीक इंसान का सबसे बड़ा शर्फ यह है कि वो अपने चेहरे अपने सर को अल्लाह के सामने ज़मीन जमीन पर पर डाल दे सजदे में इंसान का सर और नाक जमीन पर और नाक रगड़ता है उसका वजूद उस हस्ती के सामने धे पड़ता है जिसने उसे सब कुछ आता कर रखा है यही फर्क है कि इंसान सजदे में रब की कुर्बत का सबसे ज्यादा हकदार होता है लेकिन जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो वो नहीं छीनता ना ही इस दुनिया को अपने बंदे पर तंग करता है न सूरज को हुक्म देता है कि फला मेरा नफरमान है उसके घर के आंगन में अपनी किरणें मत बिखेरना बल्कि अल्लाह जब नाराज होता है तो वो सजदे की तोफी छीन लेता है और ये बहुत बड़े फिक्र की बात है कि अल्लाह क्यों अपने सामने खड़े नहीं रखना चाहता जरूर इंसान से कोई गुनाह सरजद हो जाता है उसे उस खता का पता ही नहीं चलता यानी उसका एहसास तक नहीं होता जब इंसान का जमीन मुर्दा हो जाए तो उसे किसी बात का एहसास नहीं रहता वो अल्लाह और उसके बंदों के हकूक में कोताही कर रहा होता है वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमत के खिलाफ जिंदगी बसर कर रहा है वो दिन में पांच बार अजान सुनने के बावजूद कितने सजदों से इनकार कर रहा है जबकि इब्लिस ने सिर्फ एक सजदे से इनकार किया था लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि हुक्म बारी ताला है तो फिर अल्लाह ने उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दरगाह से बाहर निकाल डाला अल्लाह जब नाराज होता है तो इंसान का मन उजा तो तो भागो चले जाते हैं और वो तमाम का खालिक मालिक है वो दिन में पांच मरतबा तुम्हें बुला रहा है और तुम सुनी अनसुनी कर देते हो कहा वो जो अल्लाह पाक के बुलावे पर भागे चले जाते हैं कि शायद

तो याद रखो कि जब अल्लाह नाराज होता है तो वो अपने सामने इंसान से खड़ा होने का हक छीन लेता है इंसान को अपनी बारगाह में आने की इजाजत नहीं देता उसे बुलावा तक नहीं भेजता तभी तो दिन में पांच मरतबा अजान की सदा बुलंद होती है लेकिन हमारे कल्बो जहन पर ताले लगे हुए हैं, हमारी समातों पर मोहरे लगा दी गई है हम सुनकर भी वहां नहीं जाते और वो जो अल्लाह के महबूब है वो हर हालत में हर जगह पर वो किसी भी मकान पर वो नमाज अदा करने से नहीं चुकते हैं जरा सोचो कि हमारा रब हमसे नाराज ही तो है कि उसने अपनी पूरी उम्मत पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए में, में भी नमाज के इस्तेमाल मुख्तर कर दिए गए मगर किसी के जहन में ये बात तक नहीं आई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा रब हमसे नाराज हो चुका है हमसे उसने सजदा करने की तोफीक छीन ली है बंदों को पारस आई और कामयाबी हासिल करने के शौक़ में मुबतला होने से बचाना भी इस जदे का मकसूद है और नेकी के मकबूल होने माफी के मिल जाने का यकीन हो जाए तो हम में से अक्सर न सिर्फ मुतमिन हो जाएंगे बल्कि अपने तकवे के जोख में भी मुबतला रहेंगे लेकिन ये खटका ना जाने नेकी मकबूल होने हुई या नहीं हुई तो अपनी गलतियों की चुंबन इंसान को आजी आज और इनकी सारी अता करती है वाला करीम से बेनियाज होकर रुख नहीं फेरता न वो बंदों के आगे जगह जगह दर दर अपने बंदों के आगे अपनी गर्दन झुकाता रहता है। यही वो नमाज का नुकता है कि जिसकी वजह से अल्लाह करीम के बारह करीम में नमाज की अदायगी का हीदारी करते हुए खड़े हो जाओ इस आयत के नुकते पर गौर करो तो खड़े होंगे वही अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे जो फर्मा बर्दारी करते हैं जो नाफरमान होगा अल्लाह उसे अपनी बारगाह से दूर कर देगा कहाँ हमारे प्यारे आका और उनके सहाबा हालत जंग में भी नमाज अदा करने से नहीं चूकते जब कुफार के सताए जाने पर उनकी जानों पर ढाए जाने वाले जुल्मों पर जब भी नमाज को नहीं छोड़ते थे और कहाँ आज के दौर में तमाम तर सहूलियात मयसर होने के बावजूद अल्लाह पाक से रुख फेरे हुए हैं शायद ये दुनिया कायम इसी है कि आज भी गरीब है कि कुछ लोग हर हालत में हर जगह पर नमाज अदा करें अल्लाह रबुल्ज़त के आगे अपने सर को झुकाना भूलते नहीं है वो इस उम्मीद पर बार बार नमाज अदा करते हैं कि क्या पता हमारा रब इन नन्हे अमल से ही राजी हो जाए ये नहीं वो वक्त है कि अल्लाह से गिड़गिड़ा कर उसे मना लो अपने रब को राजी कर लो अस्तगफार कर लो वो हमारा रब्बे करीम तो माफी मांगने को पसंद करता है और माफ भी फरमा देता है तो हाथ उठाइए और दुआ कीजिए कि ए हमारे रब हमसे इतना नाराज़ मत हो जाना कि हमसे सजदों की तोफीक छीन लेना अपने घर के दरवाज़े हम पर बंद न करना हम चाहे जितने भी गुनहगार हैं जितने भी नाफरमान हैं तेरे महबूब के उम्मती हैं अपने महबूब की उम्मत पर अपने घर के दरवाज़े खोल दे अगर आपके दिल में यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए और हम सबकी बख्शिश का जरिया बन जाए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और मजीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज